हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकारी नौकरी से संबंधित है। इस वीडियो में नॉन टीचिंग के विभिन्न पद के बारे में बताने वाला हूं, यानी लाइब्रेरी साइंस सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ विभिन्न पदों के बारे में। तो यहाँ पर सीरियल नंबर, पद का नेम, टोटल वैकेंसी, ग्रेड पे, यहाँ पर एज लिमिट दिया है कब से कब तक कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मोड ऑफ रिक्रूटमेंट दिया है जिसमें डिप्टी डायरेक्टर प्रोग्रामर और डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। दोनों पद डेपुटेशन बेसिस पे हैं, यानी प्रतिनियुक्ति के आधार पे आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोग्रामर, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट के लिए यह भी दोनों पद डेपुटेशन बेसिस पे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम अकाउंट का जो पद है यह भी पद डेपुटेशन बेसिस पे हैं। इसके अलावा जो पद शेष हैं यह सभी पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर यानी लाइब्रेरी साइंस में आवेदन आमंत्रित हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हैं। सैलरी जो है यानी ग्रेड पे हैं 4600 हैं। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें एज लिमिट हैं लेस देन 30 ईयर्स हैं। प्रोग्रामर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एक एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट सभी पद के लिए सेम है। अब हम बात करते हैं हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी एज लिमिट सेम है, कुल एक पद हैं। असिस्टेंट प्रोग्रामर एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेड पे 2800 हैं और एज लिमिट 18 साल से लेकर 25 साल हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हैं। इसके अलावा एग्जीबिशन असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड के लिए एक एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट सेम है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। यह जो विभिन्न पद आया है कहाँ पे आया है तो नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसमें कुछ पद डेपुटेशन यानी सीरियल नंबर 1 से लेकर 5 तक जो पद हैं प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैं और रिमेनिंग जो पद हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। रेगुलर बेसिस पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म, जनरल इन्फॉर्मेशन और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है, यानी ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उसके बाद आपको सेंड करना है। सेंड करने के लिए यहाँ पर एड्रेस दिया है जो डायरेक्टर NCZCC के एड्रेस पर सेंड करना है। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए 13 डेज हैं और 13 डेज कब से काउंट होगा कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या रोजगार समाचार पब्लिश होने की तिथि से हैं। तो आप सबसे पहले रोजगार समाचार या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ देखिए कि किस डेट को यह पब्लिश हो रहा है, उस डेट से 30 डेज हैं। अब इस एडवर्टाइजमेंट में यह क्वालिफिकेशन, सैलरी, एज लिमिट से संबंधित डिटेल जानकारी दी गई है सभी पदों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एप्लीकेशन फॉर्म भी एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ जहाँ से डिटेल जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे, यानी एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड कर पाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भी उसी में दी गई है। अदर डिटेल जानकारी जो इसमें है जैसे क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, तो यह सब डिटेल जानकारी आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि यह जो एडवर्टाइजमेंट है स्कैन किया हुआ है और स्कैन किया हुआ एडवर्टाइजमेंट ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। स्टेनोग्राफर पद के लिए यानी 12वीं क्लास पास हैं और शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड पर मिनट हैं। इस तरह से देखा जाए तो या 65 वर्ड पर मिनट हिंदी है, कंप्यूटर पर दोनों में से कोई एक होना चाहिए यहाँ पे डिटेल जानकारी के हिसाब से। तो फ्रेंड इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, यह दिखाना जरूरी है क्योंकि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है और कहाँ पे दिया है। तो एडवर्टाइजमेंट में ही एप्लीकेशन फॉर्म दिया है जिसमें किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, कैपिटल लेटर में लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डिटेल जानकारी आपको ये सब फिल करनी है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से रिलेटेड डिटेल जानकारी फिल करना है। इसके बाद इसमें जो एड्रेस दी गई है इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। तो फ्रेंड इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। आपका डेट ऑफ बर्थ जो काउंट करना है 1 दिसंबर 2022 तक ही काउंट करना है, यानी आपका जन्म इस तिथि को इसमें जो डेट दिया है उतना पूर्ण होनी चाहिए। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो पद दिया है यानी उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में आवेदन आमंत्रित हैं। जो कुछ पद स्टार्टिंग के प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैं, बाकी जो पद हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के हैं और सेम ऊपर वाला एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे हिंदी में दी गई है, सेम एडवर्टाइजमेंट है हिंदी में दिया गया है। तो आप इंग्लिश पढ़ना जानते हैं तो इंग्लिश में डिटेल देख सकते हैं या आपको हिंदी में आप आराम से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।